हेलो फ्रेंड्स, आईफा अवार्ड 2022 का घोषणा हो चुका है और इसमें विक्की कौशल को बेस्ट एक्टर और कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिल चुका है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को मैं आप लोगों को बताता हूं। तो आईफा जो है वो क्या है और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से कैटेगरी में पुरस्कार मिला है वो भी आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो देखिए, ये करंट अफेयर्स है तो आप लोगों को ये जानकारी को ध्यान रखना है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है तो यहाँ पर है, अबू धाबी में शनिवार की देर रात आईफा अवार्ड्स का ऐलान किया गया। इस समारोह में करण जौहर निर्मित शेरशाह की धूम रही, सिद्धार्थ मल्होत्रा और किया अडवाणी स्टार शेरशाह बेस्ट फिल्म चुनी गई। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि यह जो आईफा अवार्ड 2022 हुआ था वह आपका अबू धाबी में हुआ था इसका समारोह, और यहाँ पर देख रहे हैं शेरशाह मूवी का जो है धूम छाया हुआ था। यहाँ पर शेरशाह सूरी एकदम छाई हुई थी और इसमें से सिद्धार्थ मल्होत्रा और किया अडवाणी स्टार शेरशाह मूवी को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे है कि बेस्ट फिल्म जो है वह शेरशाह मूवी को मिला है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा 4 पुरस्कार शेरशाह फिल्म को ही मिला है और शेरशाह के लिए विष्णुवर्धन को बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड दिया गया। तो विष्णुवर्धन जो है शेरशाह मूवी के डायरेक्टर थे तो इनको यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिल चुका है। और यहीं पर सरदार उधम जो कि विक्की कौशल के द्वारा ही यहाँ पर किया गया था अभिनय, तो उसको यहाँ पे बेस्ट एक्टर का पुरस्कार उसके लिए मिला गया। और साथ साथ कृति सेनन, आप फोटो में देख सकते हैं, तो कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट है वह है कृति सेनन और साथ ही साथ में विक्की कौशल, इन दोनों को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है आईफा अवार्ड 2022 के लिए। और यहाँ पर अदर कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस्ट फिल्म तो चुनी गई है शेरशाह मूवी, जो कि इंडियन आर्मी का ही एक भाग को दिखाया गया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मूवी है। और यहाँ पे देखिए कि बेस्ट डायरेक्टर जो है शेरशाह मूवी के लिए विष्णुवर्धन को मिला, वो मैं आप लोगों में पहले बता दिया। बेस्ट एक्टर जो कि सपोर्टिंग रोल के लिए किसको मिला, लूडो के लिए मिला है पंकज त्रिपाठी को मिला है लूडो फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्ट्रेस का जो है सपोर्टिंग रोल किसको मिला, मिमी के लिए, मिमी मूवी में जो एक्टिंग की है सायता मोहनकर, उनको मिला है यहाँ सपोर्टिंग रोल बेस्ट एक्ट्रेस का। बेस्ट डेब्यू के लिए बात करते हैं मेल में तो तड़प मूवी है जो कि अहान सेट्टी का है, तो अहान सेट्टी के द्वारा यह निभाया गया था, तो उसमें बेस्ट डेब्यू का पुरस्कार मिला है अहान सेट्टी को फिल्म तड़प के लिए। बेस्ट डेब्यू फीमेल हुआ है बंटी बबली 2 के लिए, सरवरी बाघ को मिला है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। प्लेबैक सिंगर मेल का जो है रात लंबिया शेरशाह मूवी के लिए जुबिन नौटियाल को मिला है, जो कि बहुत ही अच्छे गायक हैं, तो यहाँ पर रात लंबिया गाना जो है शेरशाह मूवी के लिए उसके लिए जुबिन नौटियाल को मिला है। साथ ही साथ बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल के लिए जो है रात लंबिया गाना में ही शेरशाह मूवी के लिए आशीष कौर को, तो ये दोनों जो है बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल और फीमेल दोनों में ही मिला है शेरशाह मूवी के लिए, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ साथ में बेस्ट लिरिक्स की बात करते हैं तो लहरे दो 83 मूवी के लिए जो कोशिश मुनीर के द्वारा किया गया है इसको लिखा गया था। बेस्ट मूल कहानी जो है वो लूडो मूवी के लिए है अनुराग बसु, जो कि बेस्ट फिल्म जो कि है बेस्ट मूल कहानी के लिए इनको मिला गया है, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बेस्ट डायरेक्टर का है, बेस्ट एक्टर का है, बेस्ट डेब्यू मेल और फीमेल दोनों को ये देखना है ध्यान में आप लोगों को, और साथ साथ में जो है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस तो आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। तो यहाँ पे आप लोग हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आईफा अवार्ड क्या है। तो आईफा जो होता है वह यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका जो फुल फॉर्म है तो इसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी अवार्ड, तो यह है इसका फुल फॉर्म, आप लोगों को ध्यान रखना है। और यह जो है इसका 22वां एडिशन था, ये आपका 22वां एडिशन था 22वें नंबर का, तो इससे हम लोग जान सकते हैं कि इसका जो सबसे पहला यानी कि फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वह हुआ था 2000 में, और ये कहाँ हुआ था तो यह हुआ था लंदन में, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है लंदन में हुआ था सबसे पहले, और ये अभी इसका 22वां एडिशन था 22वां संस्करण था। और यह जो हुआ आपका आईफा अवार्ड 2022 वह 3 से 4 जून को यहाँ पे दुबई में जो अबू धाबी में हुआ UAE में, तो ये आप लोगों को भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि आईफा अवार्ड 2022 में किसको किस प्रकार से किस कैटेगरी में अवार्ड मिला, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये इसका जो है 22 एडिशन था और सबसे पहले जो था वो 2000 में हुआ था लंदन में, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है।